तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें अगर देखोगे आप ये, तो यहाँ से तुम देखोगे कि एक पॉइंट है, इफ़ द ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड इन स्पेस इज गिवेन बाई, तो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर स्पेस में है, माइनस के ओवर आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फील्ड इस स्पेस में दिया हुआ है, और कहते हैं रेफरेंस पॉइंट आर बाई टू, ये कोऑर्डिनेट है जिसका पॉइंट है आर कॉमा टू, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनिशियली आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक है 10। अब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,0, तो 3,0 पर अगर जो कोऑर्डिनेट है वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, तो वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो अब देखोगे यहाँ से तो फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डेल्टा भी अगर आप फार्मूला पढ़े होंगे, तो माइनस ई यहाँ से आर वन आर टू और ई डॉट डी आर आप फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ से माइनस के और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के ओवर आर का स्क्वायर यहाँ से डी आर ओवर और ये आर वन से आर टू तक, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से तुम देखोगे इसका इंटीग्रेशन 1/r² -1/r यहाँ से, और यहाँ से लिमिट जाएगा 1/r1 से r2, और ये के बाहर आ जाएगा यार, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे कि कितना है, तो के की वैल्यू यहाँ दिया हुआ, हाँ के की वैल्यू यहाँ दिया हुआ 6, तो के की वैल्यू यहाँ 6 है और ये माइनस बाहर आ गया, और 1/r1/r2, तो r2 की वैल्यू 3 ले लेते हैं, इसका 2 ले लेते हैं, तो 1/r2 मतलब 1/3 -1/2, तो यहाँ से -6 और ये 2 -3/6, तो ये आ जाएगा देखो -6 और मल्टीप्लाइड बाई -6 और इक्वल टू 1। तो पोटेंशियल का डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू 1। तो फाइनल पोटेंशियल चाहिए, इनिशियल 10 दिया हुआ था 1, तो फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 11 यहाँ से। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर गया प्यारे बच्चों? सेकेंड ऑप्शन मैच कर गया, ये सारे गलत थे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।